गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन को, कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये पहला क्वेश्चन जो हमने पहले कर लिया उसी से मिलता जुलता है, वही टाइप का है। पहले इसको देख लीजिए आप, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चार क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन ये है, क्वेश्चन नंबर टू ये साइकिल ऑफ टेट्राइन टाइप का, और क्वेश्चन नंबर थ्री ये है, और क्वेश्चन नंबर फोर ये है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। थर्मल कंडीशन में हमें इसे कराना है। तो ये वाला बॉन्ड हम इधर मूव कर दें, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर डबल हो जाएगा, और जहाँ पर डबल है वहाँ पर सिंगल हो जाएगा बॉन्ड। तो अब हम आगे जाके देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करें, ऐसे कुछ बने, ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ दे दें। ये वाला जो बॉन्ड है वो घूम कर इधर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड घूम के इधर आएगा, तो ये वाला सिंगल और यहाँ रिंग ओपन हो जाएगी। और ये वाला बॉन्ड जब घूम कर इधर आएगा तो यहाँ से ये सिंगल हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा ये, और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो अभी इसमें हमको कराना है थर्मल कंडीशन में। तो इवन है कि ऑड है, वन टू थ्री कितने बॉन्ड का इन्वॉल्व हो रहा है हमें वो देखना है, ना कि ये देखना है कि पाई है या कि ये सिग्मा है क्या है। तो एक दो तीन ऑड है, तो ऑड है डिसरोटेटरी कराना है हमें, ये हो जाएगा हमारा। अब ये दोनों ऊपर की साइड है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री को भी दिखाना है। स्टीरियो केमिस्ट्री से पहले की वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बात हुई है, इसमें मैं दो तीन क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री को बताऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली करूंगा। जैसे कि दोनों ऊपर की साइड है, ये दोनों सीएसरी को आप ले लीजिए, ये दोनों ऊपर की साइड रखिए, और हमें कौन सा रोटेशन कराना है, डिसरोटेटरी। तो पहला अगर आप ले जाएं एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे को क्लॉकवाइज, दोनों अंदर आ रहे हैं, या फिर इसको ले जाएं क्लॉकवाइज, इसको ले जाएं एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों बाहर की साइड आ रहे हैं। तो दोनों को बाहर की साइड करने के लिए ये रहा इस एंड ग्रुप का बाहरी हिस्सा, और ये रहा इस एंड ग्रुप का बाहरी हिस्सा इधर। तो इधर एम ई है, यही हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन है वो पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन है। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, तो इस रिएक्टेंट से कंडीशन कौन सी है, प्रोडक्ट ये बना हुआ है, क्वेश्चन ये। तो अब हमें यहाँ पर कंडीशन को सिर्फ देखना है कि कंडीशन कौन सी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये बना क्या है। ये सिक्स मेंबर एक रिंग है इधर, और इधर एक फोर मेंबर रिंग है। तो सबसे पहले हम ये बना कैसे वो देखते हैं, फिर ये कौन सा रोटेशन है, कौन सी कंडीशन में हुआ है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको हम किस तरह से मूव कराएं। ये रिंग क्लोज है तो हमें इसको ओपन कराना है। तो ओपन होगी क्या कहीं से, अगर हम इस बॉन्ड को, जैसे कि इस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को इधर मूव किए, ये सिंगल बॉन्ड था इधर डबल हो गया। लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी सिंगल बॉन्ड को कहीं पर मूव करेंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही है। तो अगर ये इसको मूव करेंगे इधर डबल बॉन्ड है, इधर मूव करेंगे इधर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर रिंग ओपन नहीं होगी, बस एक बड़ी रिंग दो रिंग बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। अगर ये बॉन्ड कुछ इस तरह से मूव हो, ये यहाँ पर आ जाए, फिर ये वाला बॉन्ड मूव होकर इधर आ जाए, ये बॉन्ड मूव होकर इधर आ जाए, जैसे कि क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है ये देखिए आप पहले इसको, ये बॉन्ड जैसे कि ये रहा, तो ये वाला बॉन्ड अपना इससे जुड़ जाए, इस तरह से यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए। क्या हो रहा है, ये बांड, ये वाला कोना, ये वाला हिस्सा, दो हिस्सा बांड का, जो पहला हिस्सा ये यहीं पर रहेगा, ये दूसरा वाला घूमकर इधर आ जाएगा। तो ये वाला एक कोना यहाँ पर है और दूसरा वाला आकर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर। अब ये वाला बांड घूमकर यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये वाला बांड घूमकर ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला बांड घूमकर इधर आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। अब जब हम इसको देखो काउंट करें कितने मेंबर की रिंग बनी है, ये वन और ये वाली टू, और ये रही ये वाली थ्री, और ये फोर, और ये फाइव, और इसको लेके सिक्स। तो सिक्स मेंबर रिंग पहले हम बना लें, तो सिक्स मेंबर पहले हम इस तरह से बना लेंगे, और ये डबल बॉन्ड इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर है, हो गया। और ये हो जाएगी इसके बाद ये फोर मेंबर रिंग, वन टू थ्री, ये फोर, तो ये वाली हो गई ये वाली वन, ये वाली हो जाएगी वन, और ये वाली हो जाएगी टू, ये वाली थ्री, और ये वाली फोर, तो ये वाली फोर मेंबर रिंग हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है वो पहले से वैसे कि वैसे आई धीरे से वहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ही है यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वन टू थ्री ये बॉन्ड इन्वॉल्व में नहीं है, तो वन टू थ्री यानी कि ऑड नंबर, हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल गया। अब दोनों देखो, ये हमारा एंड ग्रुप कौन सा है, जैसे कि यहाँ से बॉन्ड शुरू हो रहा है और यहाँ से आके मिल रहा है, तो यहाँ पर दोनों एच कहाँ पर हैं,
तो इस ग्रुप का अंदर ही हिस्से का बांध ये है अंदर आने वाला, तो बाहर इससे एक लगा होगा या यहाँ पर होगा, और इस एंड ग्रुप से ये अंदर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा ये उधर है, तो बाहर इससे एक एच इधर होगा, तो दोनों एच बाहर की साइड है, ध्यान दें दोनों बाहर की साइड है, कि क्या कराना है कि हमें दोनों ऊपर आ जाए। तो अभी हम इसको एंटी क्लॉक करें और इसको क्लॉक करें, तो क्लॉक एक एंटी क्लॉक यानी कि यहाँ पर डिस रोटेटरी हो रहा है ना, तो यहाँ पर अगर डिस रोटेटरी करें हम तो ओ डी, तो यहाँ पर क्या होगा थर्मल कंडीशन में हो जाएगा ये। अगर आपको ट्रिक याद हो टी ई सी होता है तो टी ओ डी होता है, ओ डी हमें पता चल गया ऑड है और डिस रोटेटरी है, और तो यहाँ पर हो जाएगी कंडीशन अपने माने अपने आप ही हो जाएगी थर्मल कंडीशन। जैसे कि देखिए ये दोनों एच बाहर की साइड है, अगर आप इसको अभी दोनों ऊपर की साइड, ये देखो प्रोडक्ट हमें देखना है कि ये दोनों एच ये भी ऊपर की साइड है, ये वेज बैंड के थ्रू ऊपर की साइड है, ये वेज बैंड के थ्रू ऊपर की साइड है, तो दोनों का हमें ऊपर कैसे आएगा, तो ये दोनों पहले देखिए ये दोनों एच एक ग्रुप के बाहर है, ये ग्रुप के बाहर है, इसको हम घुमाएं, इसको हम रोटेट इस तरह से करेंगे, जब एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा फिर हम इसको क्लॉक वाइज कर रहे हैं, तब ये जाकर एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज होता है तो हमारा डिस रोटेटरी होता है और ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा टी ओ डी थर्मल और डिस रोटेटरी। तो ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट से हमें ये प्रोडक्ट इस कंडीशन में मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है दिया हुआ हमें, ये एक 1 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है और यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है और यहाँ पर लगा हुआ CH2 या CH3 और ये ग्रुप के दोनों ये एंड ग्रुप है हमारा जो हमें यहाँ पर अभी होगा, यहाँ से ये बाहर की तरफ एच, यहाँ से एक बाहर की तरफ एच, इसको कराना है थर्मल कंडीशन में, कराना है फोटोकेमिकल कंडीशन में। क्वेश्चन इतना ही दिया होगा, या तो दिया होगा या तो थर्मल में या तो दिया होगा फोटोकेमिकल में, तो फिर क्या होगा यहाँ पर ये बाउंड मूव होकर इधर आ जाएगा, यहाँ से एक बाउंड बन के ये रिंग क्लोज होगी, तो ये बाउंड इधर घूम जाएगा, ये बाउंड इधर घूमेगा, तो यहाँ से हमारी पहले एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। देखिए क्या क्या होगा, ये वाला बाउंड इधर घूमेगा तो यहाँ से एक बाउंड बन जाएगा, यहाँ पर एक बाउंड बन जाएगा, तो ये एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और इधर एक 3rd मेंबर रिंग बनेगी, और जहाँ पर सिंगल बाउंड है वहाँ पर डबल हो जाएगा और जहाँ पर डबल है वहाँ पर सिंगल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं पहले, ये हो गई हमारी 6 मेंबर रिंग, यही था हमारा दोनों एंड ग्रुप, एंड वाली पोजीशन हमारी यही थी ना ये वाली, तो इससे अब लगा हुआ एक 3rd मेंबर रिंग, इस तरह ये 3rd मेंबर हो गई ना 1 2 3, अब इससे लगा हुआ CHO, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा CHO और ये रहेगा CH3। अब देखना है इस एच की और इस एच की स्टीरियो केमिस्ट्री, तो इसमें क्या हो रहा है, थर्मल कंडीशन है, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाई हो या फिर सिग्मा उसे नहीं मतलब, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड, तो फिर हो जाएगा हमारा टी ओ डी होता है, टी ओ डी, ठीक है। तो अब हमें दोनों एच बाहर है तो दोनों ऊपर की साइड आ जाएंगे ना, जैसे कि इसमें दोनों बाहर था ऊपर की साइड आ गया, इसमें भी दोनों बाहर ऊपर की साइड आ जाएगा। अब रोटेशन आपने सीख लिया होगा, आप लोग अपना करके देख लेना थोड़ा, और यहाँ पर बाउंड एक डबल बाउंड यहाँ और एक डबल बाउंड यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम इसको कराएं फोटो केमिकल कंडीशन में तो पी ओ सी, तो इसमें क्या होगा, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ये हो गई हमारी एक 6 मेंबर रिंग, अब इससे बनेगी आगे लगी हुई ये 3rd मेंबर रिंग है, इधर लगा हुआ CHO है और इधर लगा हुआ CH3 है, यहाँ पर डबल बांड है और यहाँ पर डबल बांड है, और जब आप इसको डिस रोटेटरी कराओगे तो इसका अपोजिट एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर के लिए हम सॉलिड लाइन का उपयोग करेंगे और नीचे के लिए डॉटेड लाइन का, और ये रहा यस। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इससे लगा हुआ इधर एक TBU, इधर लगा हुआ टर्शियरी ब्यूटिल, इधर लगा हुआ भी टर्शियरी ब्यूटिल, इसको हमें यहाँ पर कंडीशन पूछ रहा है कि ये है हमारे पास रिएक्टेंट, किस कंडीशन में कराएं कि ये प्रोडक्ट मिले, और यही है हमारे पास रिएक्टेंट, इसको किस कंडीशन में कराएं कि हमें ये प्रोडक्ट मिले, तो हमें इसको देखना है और प्रोडक्ट को देखना है, तो सबसे पहले वैसा प्रोडक्ट बना लेना है और कौन सी कंडीशन होगी या फिर कौन सा रोटेशन होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना वो देखिए, तो इस 6 मेंबर रिंग से बनी है यहाँ पर 2 4 मेंबर रिंग ना, 1 2 3 4 1 2 3 और ये रहा 4,
तो अभी हम यहाँ पर इस बाउंड को किस तरह से रोटेट करें कि ये फोर बाउंड दो फोर मेंबर रिंग बने। जैसे कि यहाँ पर इसको अगर हम रोटेट करेंगे, ये वाला बाउंड देखिए, ये वाला जो है इस चाप को हम इसको इस बाउंड को यहाँ पर ऐसे लें, तो इसको हम यहाँ से रोटेट करके ऐसे मिला दें, ऐसे सीधे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारी 1 2 3 और ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3 और ये हो जाएगी 4। तो अगर हम इस बाउंड को रोटेट करके ऐसे मिला दें, यहाँ पर आगे मिलाते हैं, आगे जब इसको हम मिला देंगे तो ये हमारी फोर मेंबर रिंग इस तरह से बन जाएगी। और फोर मेंबर रिंग हम इस तरह से बना देंगे आराम से, जैसे कि अगर पहले आप बनाना चाहें यहाँ पर, फिर ऐसे बना दें, यहाँ पर क्या लगा है वो आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 फोर मेंबर रिंग को हमने ऐसे दिखा दिया, फिर इस फोर वाले को ऐसे दिखा दिया, और फिर वहां पर भी वैसे ही हो जाएगा, रोटेशन तो यही होगा। अगर इस बाउंड को हम इस तरह से रोटेट करके यहाँ करें और इस बाउंड को यहाँ पर करें, तो कितना बाउंड इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दो बाउंड इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि बाउंड है हमारे पास इवन। यहाँ पर भी इवन लिख लो, यहाँ पर भी इवन लिख लो, ये हमें पता चल गया दोनों कंडीशन में इवन इवन हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये टी और ये टी, ये यहाँ पर हमारा एंड 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 ग्रुप का पॉइंट यही है ना, ग्रुप का एंड पॉइंट यही है। तो हमारी अब इस टी बी यू और ये टी बी यू की स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी है। ये टी बी यू हमारी ऐसे ही प्लेन पर रहेगा, और ये जो है वो दोनों ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो अभी हमें कौन सा रोटेशन कराना है कि दोनों ऊपर आए। देखिए दोनों बाहर की साइड है, अगर ये दोनों हमारा ये कौन सा टी बी यू अगर हम इसको मान लें, तो अगर हम दोनों को बाहर की साइड रखेंगे, इन दोनों को बाहरी साइड, तो हमें क्या करना है कि दोनों पहले वाले में ऊपर आए, टी बी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो कौन सा रोटेशन कराएं कि ऊपर है। चलिए कराते हैं, इसको ले जाएं अगर एंटी क्लॉक वाइज, इसको ले जाएं क्लॉक वाइज, एक क्लॉक गया एक एंटी गया, तो एक क्लॉक एक एंटी हो जाएगा हमारा डिसरोटेटरी इस वाली कंडीशन में। जब इस वाली कंडीशन में डिसरोटेटरी हो जाएगा, तो इस वाले में कौन रोटेटरी हो जाएगा, तो इवन और डिसरोटेटरी किस में होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में, और इवन कौन रोटेटरी किस में होता है, थर्मल कंडीशन में। तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये जो हमारा बी यहाँ पर पूछ रहा था वही हो जाएगा हमारा, ये फोटोकेमिकल कंडीशन है, बॉन्ड कितना इन्वॉल्व हो रहा है इवन, और कौन सा हमें रोटेशन कराना है डिसरोटेटरी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थर्मल है, यहाँ पर इवन है, और यहाँ पर हमें रोटेशन कौन सा कराना है कौन रोटेटरी। अब आप करा के देख लें, इसको हम रोटेट करके यहाँ पर लाएं, तो इस तरह से हमारी ये दो फोर मेंबर रिंग बनेगी, एक डबल बाउंड यहाँ पर है और ये वाला बाउंड इधर घूमेगा, एक डबल बाउंड यहाँ पर हो जाएगा, और इधर रोटेशन कराएंगे दोनों टी बी यू ऊपर, ये टी बी यू ऊपर, ये भी ऊपर, और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखानी। और इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कौन रोटेटरी वाले में एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, इसका अपोजिट ये होता है। अगर आप रोटेशन कराना सीख चुके हैं तो आप करके देख सकते हैं कि किस तरह से होगा। ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो अब कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको कराना है थर्मल कंडीशन में, यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, इसको फोटोकेमिकल में कंडीशन में क्या होगा। ये क्वेश्चन है थर्मल कंडीशन में, ये प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन है थर्मल कंडीशन में ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी हम देखेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसको ये स्नीप कंडीशन में करा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहला ये वाला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम ग्रुप का एंड पॉइंट इसे लें और एंड इस ग्रुप का एंड पॉइंट इसे लें, तो यच यहाँ से बाहर साइड है और ये वाला यच भी बाहर साइड है, तो यहाँ से इस बाउंड को हम मूव करा सकते हैं इस तरह से, और इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली 1 और ये वाली 2, ये 3 और ये वाली जो है ये वाली 4 और ये 5 और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, और इधर 1 2 3 और ये नया 1 4, यानी 6 और 4 ये 6 मेंबर हो गई हमारी, और इससे लगी हुई एक 4 मेंबर रिंग इस तरह से ये हो गई, और डबल बॉन्ड है ये देखिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अभी सी एच की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, थर्मल कंडीशन में दोनों बाहर है तो ये थर्मल हो जाएगा 1 2 3 ऑड है ना, तो डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी में जब दोनों बाहर की साइड होंगे
जब डिस रोटरी में दोनों भाग साइड आएंगे इस तरह से करेंगे तो दोनों ऊपर की साइड हो जाएंगे, दोनों ऊपर हो जाएंगे। ऊपर इधर भी ऊपर। अब हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले को कराना फोटो केमिकल कंडीशन में, तो यहाँ से हो जाएगा पी, ये ऑड के तीन के लिए ऑड हो जाएगा और यहाँ पर पी हो सी कॉन्ट्रेक्ट भी होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगी हमारी। इसको हम आगे थोड़ा करेंगे, यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग और इससे लगी हुई है फोर मेंबर रिंग, तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टरी में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हाँ तो इसमें इस तरह से करने से ये हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इसमें इसको एंड पॉइंट ये माना जाए, इसे एच लगा हुआ यहाँ पर हो, एच लगा हुआ यहाँ पर हो और इसको मैं थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ, जैसे कि आप इसको यहाँ पर इस तरह से देखें, अगर हमारे पास ये हो और एंड पॉइंट हम इसे माने इस ग्रुप का एंड पॉइंट, ये एच बाहर है, ये एच बाहर है, तो यहाँ अगर हम इसे मूव इधर करा दें, इसे इधर करा दें, ये इसे इधर, इसे इधर, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी इस तरह से और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये जो इधर मूव किया है, बाकी इसी कॉन्फिगरेशन इस तरह से हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब हम आप कहेंगे कि इस एच की स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाकर हम दोनों एच बाहर है, अगर इसे हम थर्मल कंडीशन में कराएं तो थर्मल इनर्जी, थर्मल कंडीशन में अगर हम कराएंगे इसे तो यहाँ पर हो जाएगा पी इवन है, कॉन्ट्रेक्टरी कराना है तो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा एक बाहर हो जाएगा ना, एक एच यहाँ पर आ जाएगा और एक एच अंदर आ जाएगा। अगर इसको हम इसे इधर करते तो ये बाहर हो जाएगा, देखना पहले दोनों अगर हमारे पास बाहर है तो एक अंदर आ जाएगा एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को आप एंड पॉइंट मानकर यहाँ पर टू मेंबर रिंग में इस तरह से हो सकता है या तो फिर ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो सकती है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया होगा, अगर इस तरह से ओपनिंग में दिया है तो इस तरह से हम करेंगे, अगर इस तरह से डबल मेंबर रिंग में इस तरह से बन रहा है तो हम उस तरह से करेंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी। तो अभी हम देखें अगला क्वेश्चन ये वाला, तो इस ये हमारे पास ये डिफरेंट है, थर्मल कंडीशन में कराकर हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा वो देखना हमें। तो इस बॉन्ड को अगर हम इस तरह रोट मूव करें इधर जाए और इस बॉन्ड को हम इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगी यहाँ पर ये बॉन्ड, पहले इसको देख लें, पहले इसको पूरा बना लें, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना है। अब इससे लगा हुआ बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये इसे ब्रेक हो रहा है, ये घूम के इधर आ रहा है और इससे लगा हुआ ये बॉन्ड जो है वो ये रहा, ये हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड मूव होकर इसी पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया और ये बॉन्ड मूव होकर इधर गया डबल, फिर यहाँ से लगा हुआ ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसको हम इस तरह से दिखा दें, और फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया और सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड मूव होकर इधर आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड। तो अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे, तो ये रहा ये, तो अब ये इस तरह से हो गया, तो अभी हम इसको इस तरह मूव कर दें, इसको इस तरह और इसको इस तरह, तो क्या दिख रहा है, इसको भी थर्मल कंडीशन में अगर कराओ तो हमारा ये बन जाएगा, देखिए ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये पूरी मेंबर रिंग ऐसे रहेगी और ये वाला बॉन्ड जब ये वाला बॉन्ड इधर मूव होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और ये बॉन्ड इधर मूव करके इधर ये रिंग को क्लोज कर लेगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास ये है, ऐसी कंडीशन में कराना है, ये बनाना है, ये बना है, तो अभी हमें देखना है कि कैसे बना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम करें क्या कैसे बना है, फोर मेंबर रिंग बनी है और इधर का गायब है, तो फोर मेंबर पहले रिंग बनाते हैं, ठीक है, इसको हम इधर मूव कराएं इस बॉन्ड को और इसको हम इधर घुमा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरह से, ये इधर हमारी एक दो तीन और ये चार, यानी कि ये चार मेंबर रिंग, फोर मेंबर रिंग हो जाएगी हमारी, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारा आधा बन चुका है ना इधर का, ये डबल बॉन्ड बन चुका है। अब देखिए इधर यहाँ पर वो लगा हुआ है, नहीं यहाँ पर,
ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब इसका अगले में जब जाएंगे हम यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर ओ लग रहा है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड, ये ओ की साइड है, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से ये वाला हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये CO2 के रूप में निकल जाएगी, CO2 यहाँ से निकल जाएगी, तो हमारा ये बन जाएगा। तो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो रहा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये 9 ये रहा और 10 ये रहा। तो 9 में हमें क्वेश्चन दिया है थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में इसे हमें कराना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो ये क्या है पहले वो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 मेंबर एयरिंग है और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, इसी को हमें कराना है रिएक्शन। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का एंड पॉइंट हमारा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और इसे लगा होगा H जो है वो बाहर की साइड इधर, इससे बाहर की साइड इधर, तो ये बॉन्ड मूव होकर इधर आएगा, यानी कि ये बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा और ये मूव होकर इधर जाएगा और ये इधर। तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब मैंने कैसे बनाना वो बता दिया, मैं अब डायरेक्टली बना रहा हूँ 6 मेंबर रिंग पहले। अब इसके बाद क्या है, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ये देखिए, ये वाली 1, ये वाली 2, ये 3, ये 4 और इसको लेकर ये 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहीं से जुड़ा है 5 मेंबर रिंग, ये वाली ये 1, ये हो जाएगी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो जाएगी हमारी 5 मेंबर रिंग। तो अभी हमें अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ दिखाना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 6 मेंबर वाले रिंग में एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और ये दोनों एच की अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। हाँ, तो अब देखना है थर्मल है, 1, 2, 3 ऑड है, तो टी ओ डी होता है ना, थर्मल होता है, ऑड होता है, तो डिसरोटेटरी होता है। डिसरोटेटरी में अगर दोनों बाहर होते हैं तो दोनों ऊपर की साइड जाएंगे, दोनों एच यहाँ पर ऊपर की साइड हो जाएंगे, ये रहा एच और ये रहा एच। अगर हम इसी को फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर कराएंगे तो वही होगा सेम हमारा, बस वही एच जो वो एक ऊपर होगा, एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 देखते हैं, 9 में क्या है, 9, 10 लगभग सेम, लगभग मतलब ज़्यादातर सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर ये पहले देखिए, यहाँ पर 8 मेंबर रही, 8 मेंबर पूरी नहीं है, यहाँ पर 7 मेंबर, यहाँ पर अगर होती तो 8 मेंबर हो जाती, ये रही, यहाँ पर भी हो रहा। और जैसे कि ये ग्रुप का एंड पॉइंट है, ये रहा एंड पॉइंट, ये रहा इसका पॉइंट, ये रहा इसका एंड पॉइंट, और इससे लगा होगा यहाँ पर एक कोई आर्गो एल्किल ग्रुप होगा या फिर कोई और ग्रुप होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ग्रुप वो दिखा दिया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको कराना है थर्मल में, तो क्या होगा प्रोडक्ट, फिर इसको आगे कराएंगे जब हम और भी थर्मल कंडीशन में, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा अभी हम उसको देख लेते हैं, इसके यहाँ हटा दूँ मैं। तो सबसे पहले क्या होगा, थर्मल है, 1, 2, 3, 4 इधर, इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो थर्मल इवन, थर्मल इवेंट कन्वर्टर जो होता है, तो पहले बना लीजिए, ये हमारा नया बॉन्ड काउंटर होगा। हाँ, अब देखना है इस एंड ग्रुप का ये जो पॉइंट है, इससे लगा होगा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी देखनी है, इसे लगा होगा इसकी देखनी है। अभी इसके इधर क्या लगा है उसको हमें उससे नहीं मतलब है, इस ग्रुप के इधर क्या लगा है उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन इस ग्रुप का एंड पॉइंट जो है उससे हम, उस एंड पॉइंट से हम देखेंगे कि ये ग्रुप अगर दोनों बाहर की साइड है, ये बाहर की साइड है, ये बाहर की साइड, दोनों बाहर की साइड है, ये दोनों बाहर की साइड। तो अभी हमें रोटेशन कराना है कॉनरोटेटरी, जब हम दोनों बाहर की साइड को कॉनरोटेट कराएंगे तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो ऊपर के लिए हम इस तरह से और नीचे के लिए नीचे जा रहा है इस तरह से हम दिखाएंगे। अब इससे लगा हुआ पीएच है इस वाले बॉन्ड से, ये हो जाएगा पीएच और इससे लगा हुआ सी ओ ओ एच। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब अगर आप इस तरह के, क्या इस वीडियो को अगर आपने शुरू से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को काफ़ी देर से हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि इसको हम इधर मूव कर दें, इसको इधर मूव कर दें, इसको इधर मूव कर दें, तो बनेगी एक 6 मेंबर रिंग, एक 4 मेंबर रिंग, ये हो जाएगी
और अब इस ग्रुप का एंड पॉइंट ये होगा यच, ये हो जाएगा यच। अब स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी दिखानी है। अब ये हो जाएगी थर्मल कंडीशन में एक दो तीन और होगी और हमें रोटेशन कौन सा कराना होगा, डिसरोटेटरी। तो डिसरोटेटरी कराएंगे तो ये दोनों यच ऊपर हो जाएंगे और ये यहाँ से 1 2 3 और ये 4 मेंबर रिंग यहाँ पर बनेगी और ये 6 मेंबर इधर बनेगी और ये वाला पार्ट जो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे ही। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें इधर आगे नहीं बढ़ाया है और उसमें आगे तक गया। ये क्वेश्चन है थर्मल कंडीशन में कराना है, ए क्या होगा बी क्या होगा। इसमें सिर्फ ए दिया था, ए पूछ रहा था, बी दो प्रोडक्ट दे दिया था, इसमें दोनों नहीं दिया है। तो सबसे पहले अगर हम इसको कराएं नीचे कराया थर्मल में, तो थर्मल इवन कन्वर्टरी होगा, बॉन्ड का मूवमेंट ऐसे होगा तो एड मेंबर पूरी रिंग बन जाएगी। ये वाला जो बाहर है ये बाहर है, इसको रोटेशन कराएंगे एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। अब हम अंदर को फिर से कराएंगे इस तरह से, फिर इस तरह इस बॉन्ड को इधर कराएंगे, फिर इस बॉन्ड को इधर मूव, इसको इधर मूव कराएंगे तो ये बनेगी 6 मेंबर रिंग और बनेगी 4 मेंबर, ये हो जाएगी 6, ये होगी 4 और ये ऐसे ही रहेगा। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब इन दोनों एच की और इस एच की स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाएंगे, यहाँ पर ये एच है तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाएंगे। तो थर्मल होगा, थर्मल कंडीशन में एक दो तीन और नंबर ऑफ थर्मल और डिसरोटेटरी दोनों बॉन्ड ऊपर हो जाएंगे, तो ये दोनों बॉन्ड ऊपर हो जाएंगे बस। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक का कुछ क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक में हमें देखना है नाज़ेरोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन और उस पर कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, एक वीडियो में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगा खत्म, फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।